नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगर निगम इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में जुटा हुआ है। इसके लिए वह स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, गार्डन सभी जगह जा रहा है, प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। हर हालात में बेहतर परिणाम चाहता है, इसी के चलते पिछले दिनों उसने स्वच्छता को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें स्वच्छता अभियान में बेहतर स्थान बनाने वालों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसी के चलते केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल एकेडमी, ड्राइट सहित विभिन्न संस्थाओं को उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। हमने कुछ लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना था। मिला क्यों और क्या किया आपने, क्या होना चाहिए? मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक के रीवा का प्राचार्य। हमारे विद्यालय में स्वच्छता के लिए टीम बनाई गई है और सभी बच्चों को लिटर मॉनिटर इत्यादि की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। बच्चे खुद से जैसा अपने घर के आसपास अपने घर में स्वच्छता रखते हैं, ऐसे ही अपनी कक्षाओं में और विद्यालय प्रांगण में स्वच्छता रखें, इसके लिए बच्चों को लगातार प्रेरित किया जाता रहा है। और उसका ही और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस स्वच्छता कार्यक्रम को बहुत अधिक आगे ले जाने के लिए जो उनका मार्गदर्शन और वो खुद से इसके में लगातार अपनी सशक्त भूमिका निभाते रहे हैं, इससे हमारे देश में, हमारे विद्यालय में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा हमारे देश में स्वच्छता के लिए एक नई अलग जगह है। और जिसको हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमारे शहर रीवा में ही बहुत अधिक स्वच्छता देखने में आ रही है। एक एक बच्चा जो है इसके लिए कृत संकल्प है, वो अपने कक्षा में और जहाँ भी उनके खाने पीने का स्थान है, आने जाने का स्थान है, यदि कोई रैपर इत्यादि पड़ा होता है तो खुद से उठाकर उसको डस्टबिन में डालते हैं और विद्यालय को स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल रीवा के प्राचार्य दिनेश कुमार पाठक हूँ और आज मुझे स्वच्छता सर्वेक्षण में विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हम सभी मिलकर के अपने विद्यालय में छात्रों के साथ में, प्रमुख सभी शिक्षकों के साथ में और स्कूल के हर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग मिलकर के नई नई यूनिट बना करके अलग अलग पॉइंट्स पर हमने सेट करके रखा है और समस्त छात्र छात्राएँ साथ में विद्यालय का स्टाफ, चाहे वो शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो, स्वच्छता अपने कैंपस को स्वच्छ रखने में भरपूर मदद कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारा नगर निगम रीवा भी इस दिशा में पूरी तरह से बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहा है और परम बापू जी के जो हमारा कॉन्सेप्ट था स्वच्छता का, उसका कई साल बाद और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर अमल किया है, करवाया है। और आज एक नया पूरा मिशन बन करके रह गया है और लोगों ने इसको अपने जीवन चर्या में उसको उतारा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन लोगों, अगर किसी के घर में, किसी के मोहल्ले में स्वच्छता की गाड़ी, वो कचड़े वाली गाड़ी नहीं आती है तो लोगों को थोड़ा सा बेचैनी जैसी लगती है कि आज गाड़ी नहीं आई। मतलब कहने का हमारा अर्थ यह है कि लोगों ने इसको अपनी दिनचर्या में बराबर उतार के रखा है, तो इस प्रकार से हमारा शहर भी स्वच्छ। डाइट रीवा और मेरे सर श्याम नारायण शर्मा प्रचार महोदय के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान हमारे डाइट में बहुत अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा और काफ़ी साफ़ सफाई रहती है। सभी जगह डस्टबिन वगैरह रखे हैं, कचरा वचरा सब बच्चे लोग और अभिभावक लोग सब इसमें फेंकते हैं और साफ़ सुथरा हमारा डाइट रहता है। धन्यवाद। डाइट को नगर निगम द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छता अभियान के तहत माननीय जिला कलेक्टर और माननीय नगर निगम कमिश्नर के द्वारा जो है अभियान चलाया गया, जिसमें जो है तो हमारे मुस्लिम समाज कल्याण समिति की जानिब से और कई समितियां मिली और हम लोग पूर्व एक वर्ष पूर्व में भी इसमें स्वच्छता अभियान के तहत हमने काम किया, जिसमें वार्ड का दायित्व सौंपा गया और स्वच्छता अभियान के तहत जो है तो अपने वार्ड में, शहर में जो है तो हम लोगों ने प्रेरित किया, लोगों को जागरूक किया और इसी के तारतम्य में और इस यही कार्य को देखते हुए आज नगर निगम के द्वारा जो है तो मुझे सम्मानित किया, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शहर के लोगों से उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे शहर को
हमेशा और भी इससे बेहतर स्वच्छता अभियान और स्वच्छता में काम करें और स्वच्छ बनाएं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।